तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे रिगार्डिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, क्या क्या इक्वेशन आया था। तो हम लोग ऑफ मेनली जो तीन इक्वेशन जो आपने ऑलरेडी नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके अलावा हमने एक निकाला था डिस्प्लेसमेंट इन एनथ सेकेंड, मतलब एनवे सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वो आया था यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ये हमने एक निकाला था। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। अगर डी एक्सेलरेट हो रहा है तो किस तरह से इक्वेशन चेंज आएंगे, तो चलते हम लोग डिस्कस करते हैं रिटार्डेशन के बारे में। तो रिटार्डेशन जो होता है वो बेसिकली होता है इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। ये कब, जैसे गाड़ी में हमने ब्रेक लगाया तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि डी एक्सेलरेट हो रहा है, रिटार्डेशन हुआ। तो रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब आपका इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का ही डायरेक्शन, जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और इसमें एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो यू एंड ए बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, तो इस केस में ये हो गया एक्सेलरेशन, दोनों को आपको पॉजिटिव लेना है, राइट। सो हम लोग बोलेंगे कि ऐसे केस में एज टी इंक्रीजेस, टाइम इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है इसी डायरेक्शन में। आपने सपोज टू व्हीलर को आपने एक्सेलरेट किया तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में आपने उसको क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया, वेलोसिटी में चेंज उसी डायरेक्शन में हुआ, तो पॉजिटिव चेंज हुआ, तो ये क्या हुआ, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ेगा। जब इनिशियल वेलोसिटी आपका इधर है और आपका एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो ये चीज़ होता है रिटार्डेशन। और डी एक्सेलरेशन ये क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन। इस केस में क्या होता है कि एज टाइम इंक्रीज वेलोसिटी विल डिक्रीज, जैसे हमने गाड़ी में ब्रेक लगाया तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी और एक टाइम पे जीरो हो जाएगी। जैसे हमने एक बॉल को ऊपर फेंका तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो एक्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, एक टाइम पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और फिर वो फॉल करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। सो ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यू एंड ए इफ बोथ हैव द सेम डायरेक्शन सो इट इज एक्सेलरेशन, एंड इफ यू एंड ए हैव अपोजिट डायरेक्शन तो इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या चेंजेज आएंगे इक्वेशन में, तो हम लिखते थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब वो u ही क्या हो गया, माइनस ए हो गया, बिकॉज अगर आप इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये ए के जगह पे अपने आप क्या आ गया, माइनस ए। सो माइनस ए इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही क्या हो गया, माइनस ए। सो नेक्स्ट फार्मूला क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर एंड एस एन एथ इज यू माइनस ए बाई टू टू एन माइनस वन। इन सभी फार्मूला में माइनस ए आ गया, माइनस ए नहीं आया बिकॉज ए का ऑलरेडी ए के साथ ही वो माइनस है, बिकॉज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस साइड में है और इनिशियल हमने इधर पॉजिटिव लिया तो इधर क्या हो गया, ऑटोमेटिक नेगेटिव हो गया, तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो सभी फार्मूला में छोटा सा एक माइनर चेंज आया, क्या चेंज आया कि प्लस की जगह पे माइनस आएगा। अब आपको इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, उससे आपको बचना है। कन्फ्यूजन क्या है, हमने ऑलरेडी एक्सेलरेशन का हमने साइन ले लिया माइनस से, अब क्वेश्चन में ये देगा कि एक्सेलरेशन इज माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको फिर से यहाँ पे माइनस टू नहीं रखना है एक जगह पे, आपने ऑलरेडी माइनस ले रखा है, तो फिर से वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको अब क्या लेना है, अब सीधे ए का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब इस मॉड को ले लो, रिटार्डेशन आपने ऑलरेडी हमने साइन ले लिया है, तो इसमें साइन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलरेडी टेकन,
अब आपको यूज क्या करना है, मॉड ए, मॉड ए इज द रिटार्डेशन इन फॉर्मूला, मॉड ए रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है वो यूज करना है फॉर्मूला में। माइनस आपने ऑलरेडी लगा दिया तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से, दो बार माइनस नहीं लगाना है। तो सिंपल फॉर्मूला u माइनस at, आपने ऑलरेडी माइनस लगा दिया, आपने ऑलरेडी साइन ले लिया, तो अब अलग से क्वेश्चन में अगर एक्सेलरेशन देगा नेगेटिव तो आपको फिर से माइनस नहीं लेना है, उसका मॉड लेना है। तो ये चेंजेज आए। अब इसमें दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो हम जैसे ही ब्रेक लगाते हैं, डी एक्सेलरेट करते हैं, तो धीरे धीरे जाकर के कहीं पे गाड़ी रुकती है, राइट। तो वो कितने टाइम पे रुकेगा, स्टॉपिंग टाइम कितना टाइम लगेगा उसको, टाइम टू स्टॉप, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो रुकने से पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे हम लोग ले लेते हैं, इधर है यू, आपने इधर ब्रेक लगाया ए, ये कहीं पर तो जाके रुकेगा, राइट, स्टॉप। तो रुकने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हमने नाम दिया स्टॉपिंग डिस्टेंस। और जितना टाइम लगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉप, टाइम टू स्टॉप और स्टॉपिंग टाइम, ठीक है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए क्या करना है, अब एक चीज हमें पता है कि जहां पे गाड़ी रुकेगी वहां पे आपका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए, ए का मॉड हम ले रहे हैं ऑलरेडी क्योंकि आपने साइन इसमें हमने ऑलरेडी, और एस नॉट, वी को हमने जीरो कर दिया। तो यहाँ से जो एस नॉट आ गया वो आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू मॉड ए, एंड दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है कि जब भी गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट करेगा, रिटार्ड करेगा, रिटार्डेशन होगा, तो उसका वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगा और वो एक टाइम पे जाकर के वो रुकेगा। तो रुकने से पहले वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, एंड दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज यू स्क्वायर बाई टू मॉड ए। हमने लगाया है मॉड, इसलिए लगाया है कि आपको रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड लेना है। फॉर्मूला में हमने ऑलरेडी साइन यूज किया हुआ है, इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज यू स्क्वायर बाई टू ए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितना टाइम लगेगा, टाइम टू स्टॉप। तो वी इक्वल टू यू माइनस ए मॉड ए टी नॉट, इसको हम लोग स्टॉपिंग टाइम को हम लोग टी नॉट मानते हैं। तो वी क्या हो गया आपका, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू था, मॉड ए एंड टी नॉट। सो व्हाट इज द टी नॉट, यहाँ से हो जाएगा यू बाई मॉड ऑफ ए। सो दो फार्मूला यहाँ से आया कि जब भी रिटार्डेशन होगा तो कितना टाइम लगेगा उसको रुकने में, और सेकेंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो रुकने से पहले। ये दो चीज़, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम टू स्टॉप और स्टॉपिंग टाइम, ये आया यू बाई ए एंड दिस इज यू स्क्वायर बाई टू ए। ये बहुत ही काम के रिजल्ट है, आपको बहुत सारे सवाल में ये डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड दिस टाइम टू स्टॉप और स्टॉपिंग टाइम। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, एक बार हम स्टार्ट से इसको फिर से कनेक्ट करते हैं। रिटार्डेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, रिटार्डेशन का मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो इसमें क्या होगा कि टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, एंड दिस इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब इनिशियल वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि रिटार्डेशन हो रहा है या फिर डी एक्सेलरेशन हो रहा है या फिर एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव है। टाइम के साथ में वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसके बाद में हम लोग डिस्कस किया कि फॉर्मूला में क्या चेंजेज आते हैं रिटार्डेशन की वजह से। तो जहाँ पर हम लोग चूँकि साइन जब लेंगे तो ए का साइन आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, तो जहाँ जहाँ ए था वहाँ पर क्या आ गया, माइनस ए आ गया। तो वी इक्वल टू यू माइनस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एन एथ इज यू माइनस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ये माइनस आ गया, इसमें हमने ऑलरेडी साइन ले लिया है
वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब जो है रिटार्डेशन जो फॉर्मूला में यूज करना है आपको, तो यहाँ पे बेसिकली मॉड यूज करना है, ऑलरेडी आपने साइन लिया हुआ है. सो यू हैव टू यूज मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन इन ए. ए की जगह पे आपको क्या करना है, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड लेना है, ऑलरेडी आपने साइन लिया हुआ है. साइन ऑफ जो है एक्सेलरेशन ऑलरेडी टेकन इन दिस फॉर्मूला, ये हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है. इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, दो बार साइन नहीं लेना है क्वेश्चन में, भले ए माइनस टू दे. जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपको ए को प्लस टू ही लेना है. ओके फिर हम लोग बात किए कि जब भी डी एक्सेलरेशन होगा तो एक टाइम पे आकर के जो वो जो भी ऑब्जेक्ट या व्हीकल डी एक्सेलरेट हो रहा है, रिटार्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर के वो रुकेगा. तो हम लोग दो चीज़ डिस्कस किए, कितना टाइम लगेगा उसको रुकने में, और दूसरा कितने डिस्टेंस वो करेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम. तो उसका फॉर्मूला आया यू स्क्वायर बाई टू ए एंड टी नॉट इज यू बाई ए. यहाँ पे भी हमने मॉड लिया हुआ है बिकॉज साइन लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा. तो ये दो पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस ऑफ डी एक्सेलरेशन में, आगे डिस्कस करते हैं. अब एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को कैसे हम लोग पहचानेंगे वो हमने डिस्कशन किया. क्या डिस्कशन किया, कि अगर यू यू एंड ए इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों का अगर डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा व्हीकल का स्पीड है वो बढ़ेगा टाइम के साथ, और उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं. जब यू एंड ए अपोजिट होगा तो उसको हम लोग डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, और उसके टाइम के साथ जो है वेलोसिटी उसमें क्या होगा, डिक्रीज करेगा. ओके इसका डिस्कशन हम लोगों ने किया अभी तक. फार्मूला में किस तरह के चेंजेज आएंगे, कितना वो ऑफ जो है डिस्टेंस कवर करेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा, इस पर एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पर्सन ये कार ड्राइव कर रहा है, यहाँ पे कोई एक छोटा बच्चा खेल रहा है. ये डिस्टेंस आप ले लो, कुछ भी ले लो, इसको हम लोग ले लेते हैं 8 मीटर. ये इधर आ रहा है, इसकी वेलोसिटी है मान लो 72 किलोमीटर पर आवर. 72 की स्पीड से कार चल रहा है, 8 मीटर के डिस्टेंस पे एक छोटा बच्चा है, तो इसका कितना डी एक्सेलरेशन होना चाहिए, कितना इसका रिटार्डेशन होना चाहिए कि एक्सीडेंट होने से बच जाए. व्हाट शुड बी द मिनिमम रिटार्डेशन, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट. तो देखो इसमें आपको क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है कितना है, 22 किलोमीटर पर आवर, आपको चेंज करना पड़ेगा इसका यूनिट, और कितने डिस्टेंस 8 मीटर से पहले उसको रुक जाना चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो. तो इसको क्या हम लोग करेंगे, आपको बेसिकली निकालना क्या है, आपको निकालना है रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए. हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड निकालना है रिटार्डेशन का. स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको दे रखा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस शुड बी एटलीस्ट इट शुड बी स्टॉपिंग डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए कितना, 8 मीटर, 8 मीटर या उससे पहले ही स्टॉप हो जाना चाहिए. तो आपको ए का मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है, ए का मिनिमम वैल्यू बताना है. स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई टू ए. तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू एस नॉट. नाउ यू को आप लोग लेना पड़ेगा, दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज कर लेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में. 5/18 से हमने मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड. सो 20 × 20 / 2 × s0, व्हाट इज एस नॉट, इज 8. सो 200/8, सो एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन आया एंड इट इज 25, इतना होना चाहिए आपका रिटार्डेशन मिनिमम कि एक्सीडेंट होने से बच जाए. राइट, अगेन कितना टाइम लगेगा अगर वो यहाँ पे पहुँचता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी क्रम में एक आता है कॉन्सेप्ट रिएक्शन टाइम का. रिएक्शन टाइम क्या होता है,
जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, आपने देखा कि 8 मीटर के डिस्टेंस पे एक बच्चा है खेल रहा है, तो अब एकदम से तो आप ब्रेक नहीं लगाओगे, आपको उसने आपने देखा और माइंड ने उस पर एक्शन लिया, तो इनके बीच में जो टाइम लगता है, राइट, आपने कोई इवेंट देखा, माइंड ने उसको रीड किया और फिर रिएक्ट किया, उसके बीच में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। सो रिएक्शन टाइम क्या होगा कि कितने देर बाद आपने जो है ब्रेक लगाया, तो वो टाइम आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा टोटल। मान लो कि यहीं से चल रहा है उसको, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तब जाकर के उसको उसने एक्शन लिया, तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी रिएक्शन टाइम के बारे में ये डिस्कशन करेगा, तो आपको उस रिएक्शन टाइम को भी आपको साथ में लेकर चलना है कि उतने टाइम तक जो है कोई एक्शन नहीं हुआ, तो उतने टाइम तक ये जो व्हीकल है वो इस कॉन्स्टेंट स्पीड से आगे बढ़ेगा, तो आपको देखना है कि वो कितने डिस्टेंस तक वो आगे बढ़ा गया बढ़ गया। ऐसे सवाल हम लोग देखेंगे मॉड्यूल में, जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि कैसे स्टॉपिंग डिस्टेंस का यूज करके आपको हमने रिटार्डेशन निकाला है। एक हम लोग बात करें रिटार्डेशन का, तो रिटार्डेशन में एक सबसे बेस्ट इसका एक एग्जांपल है कि जैसे हम लोग बॉल को हमने ऊपर फेंका, तो हमने बॉल को जब ऊपर फेंका तो इस केस में रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रहा है, एक टाइम पे जाके वेलोसिटी जो है वो घट जाएगा और उसके बाद में फिर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम लोगों ने दो चीज़ कैलकुलेट किया, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें एस क्या है, इज इट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इस ये जो एस है इसमें डिस्प्लेसमेंट है, राइट। अब चूंकि जब हम लोग बात करते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन है और ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्सेलरेट हो रहा है, एक ही तरफ जा रहा है, वो रिटर्न आया नहीं, ऐसे हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है यू वेलोसिटी से, इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही है, टाइम के साथ इसका वेलोसिटी जो है बढ़ेगा घटेगा, चूंकि एक्सेलरेशन भी इधर ही है, इनिशियल वेलोसिटी भी इधर ही है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो टाइम के साथ जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो ये कभी रुकने ही वाला नहीं है, ये सीधे सीधे जाएगा। मान लो ये यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच गया और अभी भी उसकी वेलोसिटी इधर ही है, यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम लोग बात करें तो क्या होगा, क्या दोनों सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो मोशन इन वन डी में जब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो उस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर डायरेक्शन सेम है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इसलिए हमने इस पर कभी चर्चा ही नहीं किया कि इसमें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस क्या है। लेकिन क्वेश्चन तब ये उठता है जब आपका एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है। जब मान लो कि ऑब्जेक्ट जा इधर रहा है और इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो ये कहीं पर जाकर के ये रुकेगा और फिर यहाँ से ये वापस आएगा। सिर्फ डी एक्सेलरेशन, गाड़ी का ब्रेक लगा रुक गया, ये तो एक हो गया। जैसे हमने बॉल को फेंका तो ये ऊपर जाके हवा में रुकेगा नहीं, वहाँ से वो रिटर्न आएगा। तो जब तक ये बॉल ऊपर जा रहा है तब तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट जैसे ही वो रिटर्न नीचे आ रहा है तो ऊपर जा कर के नीचे आया, तो डिस्टेंस तो यहाँ से ये एक्स और प्लस वाई, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स माइनस वाई। हम जैसे मान रहे हैं कि हमने बॉल को फेंका, ये एक्स ऊपर गया और वाई नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ और डिस्टेंस क्या हुआ, एक्स प्लस वाई, एंड डिस्टेंस क्या हुआ, एक्स माइनस वाई। तो इसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गया। तो जब एक्सेलरेशन हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तब तो फिर सोचना ही नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें तो सोचना ही नहीं है कि एस क्या है, डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है। मोशन इन वन डी हो रहा है, एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी हैव द सेम डायरेक्शन, सेम साइन, पॉजिटिव, तो उस केस में एस फॉर्मूला में डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। सवाल तब उठता है जब रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, तो हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस और कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। उससे एक और चीज़ पहले,
अगर मान लो रिटार्डेशन हो रहा है, इसका वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ है, यहाँ पे आकर के ऑब्जेक्ट रुक रहा है, इस रुकने से पहले अभी यहीं तक पहुँचा है और ये इधर ही जा रहा है अभी, इस पॉइंट तक अगर हम बात करें, इस पॉइंट तक अगर हम बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेस यहाँ से चला यहाँ पहुँचा राइट, और अभी भी ये इधर जा रहा है, रुका नहीं है, रिटर्न नहीं हुआ है, तो जब तक रिटर्न नहीं हुआ है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम ही होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग टाइम से पहले, अगर हमें स्टॉपिंग टाइम से पहले कैलकुलेट करना है तो फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो आपको उसमें भी सोचना नहीं है कि अगर इस केस के लिए, इस केस में तो कुछ सोचना नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, वही फार्मूला यूज़ करके, इस कंडीशन के लिए जब यू एंड ए आर अपोजिट, ये आप ध्यान से समझना, इस केस में इफ़ टाइम, जिस टाइम पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो लेस देन और इक्वल टू स्टॉपिंग टाइम है, टी नॉट। स्टॉपिंग टाइम क्या था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, स्टॉपिंग टाइम था यू बाई मॉड ऑफ ए। उस टाइम से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि अभी तक रुका ही नहीं है, रिटर्न ही नहीं हुआ है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग कब होगा, जब रिटर्न करेगा। अब हम लोग इसका जो दूसरा केस है, इफ टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, ये आपको ध्यान से समझना है कि टी इज ग्रेटर देन टी नॉट है, उस केस में फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो इसका दो तरीका है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, हम लोग दोनों एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें एस जो है वो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो डजेंट मैटर टी इज लेस देन टी नॉट और टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, एस विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला में आप रखो वैल्यू, मिल गया डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन आता है डिस्टेंस के लिए, कि डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे। तो पहले आप देखो कि यहाँ से मान लो कि ये जो है, ये पहले ये स्ट्रेट यहाँ तक गया और यहाँ से रिटर्न होकर के यहाँ पहुँचा है, इस मोमेंट पे हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस। तो ये यहाँ से यहाँ तक चला है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस नॉट राइट। यहाँ पे पहुँच के वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे पहुँचने में टाइम कितना लगा, टी नॉट। अब हम मान रहे हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो एस डैश मानते हैं, यहां से रिटर्न हो रहा है, जैसे बॉल को हमने फेंक दिया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट से फिर वो नीचे जो कितना चला उसको हमने मान लिया एस नॉट, यहां तक वो सीधा गया दैट इज एस नॉट, और इसको हमने मान लिया एस डैश, कितना वो रिटर्न किया। तो टी इज ग्रेटर देन टी नॉट राइट, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो टी नॉट टाइम तो कहां तक लग गया, यहां से यहां तक जाने में टी नॉट लग गया, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से समझो। पहले तो ये पूरा आएगा, कितना आ गया वो, यू स्क्वायर बाई टू ए नॉट, टू ए, ये आपने एस नॉट निकाल लिया, यहां से यहां तक आपने निकाल लिया। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, दिस एस डैस, एस डैस के लिए कितना टाइम मिला है, एस डैस के लिए टाइम मिला है टी माइनस टी नॉट, टोटल टाइम क्या है, टी व्हिच इज ग्रेटर देन टी नॉट। यहाँ से यहाँ आने में आपको लग गया टी नॉट, तो कितना बचा टाइम, टी माइनस टी नॉट। सपोज ये टाइम तीन मिनट, तीन, हम टी इक्वल टू फोर सेकेंड पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और स्टॉपिंग टाइम थ्री सेकेंड है, तो यहाँ से आने में कितना टाइम मिला आपको, एक सेकेंड मिला, टोटल टाइम चार सेकेंड था, तीन सेकेंड तो उसको फॉरवर्ड आगे जाने में लग गया, तो एक सेकेंड ही तो पीछे आया, तो कितना टाइम पीछे आया, टी माइनस टी नॉट राइट, टी माइनस टी नॉट टाइम उसको बैकवर्ड आने में लग रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया, यहाँ पे सिर्फ वो क्या कर रहा है, अब यहाँ से फिर से वो स्टार्ट कर रहा है घूमना, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो उतने टाइम में और कितना चलेगा वो, प्लस। प्लस इसलिए ले रहे हैं हम लोग साइन, क्योंकि चल इधर रहा है, डिस्प्लेसमेंट में ये चीज़ माइनस होता, लेकिन हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस में प्लस लेते हैं, हाफ मॉड ऑफ ए, और कितने टाइम तक चला है, टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिस्टेंस व्हेन U and A have different direction and time for which we are calculating distance and displacement is greater than a stopping time, right? So U square by 2A plus half A T minus T naught square. ये है आपका
कैसे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग देखते हैं, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक और दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं इसको, यही कॉन्सेप्ट को लेते हैं हम लोग। यू से वो चलता है इधर, इसका रिटार्डेशन हो रहा है, ये कहीं पे आकर के रुक गया, ये डिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया है एस नॉट, और यहाँ से वो रिटर्न ऐसे फॉरवर्ड गया, अब ये रिटर्न यहाँ तक पहुँचा, इसको हम लोगों ने माना एस डैश, राइट। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस फिगर से हम देख के बताइए कि कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, एस नॉट माइनस एस डैश। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला हुआ, ये पूरा एस नॉट है, ये एस डैश है, तो ये कितना हो जाएगा, और ये एस नॉट माइनस एस डैश वो किसके इक्वल होगा, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट, एस के इक्वल होगा। अब जब डिस्टेंस आप निकाल रहे हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा एस नॉट प्लस एस डैश। अब एस डैश ही तो कैलकुलेट करना है, आप इस फॉर्मूला से आप एस निकाल सकते हो, और एस इक्वल टू क्या आ गया है, तो एस डैश क्या हो जाएगा, अरे ये एस डैश इधर आ गया, ये इधर चला गया, एस डैश इज एस नॉट माइनस एस। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एस डैश की जगह पे हमने रख दिया एस नॉट माइनस एस, तो ये क्या बन गया, टू एस नॉट माइनस एस, दिस इज द डिस्टेंस वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज यू हैव टू यूज व्हेन टी इज ग्रेटर देन टी नॉट। सिर्फ इसी केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, बाकी हर एक केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, या आप ये भी यूज कर सकते हो, आप जो हमने लास्ट में किया है वो भी यूज कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट सिर्फ आगे जा रहा है, उसने रिटर्न लिया ही नहीं, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो उस केस में फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। दूसरा जो केस हम लोग किए कि हो सकता है कि रिटार्डेशन हो रहा हो, लेकिन अगर आपका टाइम जो है वो लेस देन टी नॉट हो, मतलब कि गाड़ी के रुकने से पहले ही आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फिर उस केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम ही होगा। अब जो तीसरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब टाइम ग्रेटर देन टी नॉट है, मतलब गाड़ी के रुकने और रिटर्न होने के बाद, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। इसको हमने दो तरीके से निकाला, एक टाइम वाले सेक्शन से निकाला टाइम का कैलकुलेशन के हिसाब से, टाइम को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा हमने डिस्प्लेसमेंट से कैसे उसको कंपेयर करके निकाला। दोनों एक बार फिर से मैं डिस्कस करता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये है आपका स्टॉपिंग पॉइंट। तो जितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, और स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता है, यू स्क्वायर बाई टू ए मॉड ए, ये पढ़ा है हमने। स्टॉपिंग टाइम, ये दो चीज़ जो है ना, एस नॉट इज यू स्क्वायर बाई टू ए एंड टाइम यू बाई ए, ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो यू बाई ए एंड यू स्क्वायर बाई टू ए, सो डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो निकाल लिया आपने, अब यहाँ से यहाँ वो ऐड करना पड़ेगा, ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट में माइनस करते हैं। तो जब ये ऐड किया हमने, अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, टी नॉट, टोटल टाइम क्या है, टी, यहाँ पे टी क्या है, टी इज द टाइम व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम है जिस टाइम पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो टोटल टाइम टी ग्रेटर देन टी नॉट है, उसके लिए ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो टी नॉट तो यहाँ तक आने में लग गया, तो कितना टाइम बचा, टी माइनस टी नॉट, टोटल टाइम टी है, टी नॉट खर्च हो गया, तो कितना बचा, टी माइनस टी नॉट, तो टी माइनस टी नॉट टाइम में वो यहाँ से यहाँ रिटर्न आ रहा है, तो हम निकाल रहे हैं कि कितना रिटर्न आया। तो जब यहाँ पे था तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, जीरो, अब वेलोसिटी जीरो हो गया तो सिर्फ उसके पास क्या है, एक्सेलरेशन ही है जो इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ आएगा वो, कितना चलेगा वो, हाफ ए टाइम स्क्वायर के, तो कितना टाइम बचा है उसका, टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर। सो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस, जो फॉर्मूला एस है, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस निकालने के लिए ये करेंगे हम लोग। ये हो गया एक मेथड, कौन सा, ये मेथड है आपका, टाइम को हमने रेफरेंस लिया है।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए जिसमें हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रखा है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। हम मान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक गया, राइट, और फाइनली जो पहुँच रहा है उसको आप ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच रहा है, फॉरवर्ड कितना गया एस नॉट हम मान रहे हैं, और बैक कितना आया एस डैश। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, तो जो भी आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला एस, वो एस कितना हो जाएगा, एस नॉट माइनस एस डैश, राइट। अरे यही तो होगा, यहाँ से एस डैश जो डिस्टेंस है वो है कि बैकवर्ड में कितना कवर किया, ये बैक साइड में कितना आया, वो एस डैश कितना हो जाएगा, एस नॉट स्टॉपिंग डिस्टेंस माइनस एस, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, वहाँ से आपने एस डैश निकाल दिया। डिस्टेंस जब निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, एस नॉट प्लस एस डैश, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, एस नॉट माइनस एस डैश, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस क्या है, एस नॉट प्लस एस डैश, सो एस नॉट प्लस एस डैश इज द डिस्टेंस। अब जो एस डैश है, एस डैश चूंकि हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं, एस डैश इक्वल टू एस नॉट माइनस एस, सो एस नॉट माइनस एस, टू एस नॉट माइनस एस, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। इसमें एस क्या है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, एस नॉट इज स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट या स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसके हिसाब से फिर हम लोग निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस हुआ। तो हम लोगों ने अभी आज डिस्कस किया रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन की वजह से इक्वेशंस में क्या चेंजेज आए, स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग, जब रिटार्डेशन मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, कैसे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। एक इस पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं इस वाले ही पोर्शन पे, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में फिर डिस्कशन करेंगे आगे। क्वेश्चन ये लेते हैं, यहां एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो रिटार्डेशन है ए इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड माइनस इज टेलिंग दैट द डायरेक्शन इज अपोजिट। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकेंड एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट 8 सेकेंड। ये दो क्वेश्चन करते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग, राइट। तो जब भी रिटार्डेशन हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको दो चीज निकालना है। सबसे पहला काम तो एक चीज निकालना है, दैट इज स्टॉपिंग टाइम, कितना उसको टाइम लग रहा है स्टॉप होने में, राइट। तो स्टॉपिंग टाइम कितना हो जाएगा, वट इज टी नॉट यू बाई मॉड ए, एंड वट इज यू इज 10 एंड मॉड ए इज 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लग रहा है। अगर हम यू का वैल्यू 10 लेते हैं, रिटार्डेशन 2 है, तो 5 सेकेंड में ये गाड़ी रुक जाएगी, ये बॉल रुक जाएगा। तो 5 सेकेंड से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, उसके लिए कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, वो कोई भी उसमें अलग अलग फॉर्मूला ही नहीं रहेगा। तो 5 सेकेंड से पहले मतलब 4 सेकेंड पे, तो 4 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, और वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये फॉर्मूला है आपका, इसमें आप u का वैल्यू रख दीजिए 10, सॉरी ये 10 मीटर पर सेकेंड, सो u इज 10 एंड टाइम इज 4 माइनस हाफ ए एंड टी स्क्वायर, एंड दिस इज 4 एंड 4, सो ट्वेंटी फोर मीटर इज द ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और डिस्टेंस कब, 4 सेकेंड पे। तो पहले क्वेश्चन में तो कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंपेयर करना है कि स्टॉपिंग टाइम 5 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड पे आपको निकालना है, 4 इज लेस देन 5, यस डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टी इक्वल टू 8 सेकेंड, नाउ दिस टी 8 सेकेंड इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग टाइम, यस
अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का लिए वही फॉर्मूला लगेगा, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, बस टी की जगह पे अब एट रख देंगे, तो व्हाट इज यू, यू इज टेन, व्हाट इज टी, एट माइनस हाफ टी स्क्वायर, टी इज एट, एटी माइनस सिक्सटी फोर एंड इट इज सिक्सटीन मीटर। तो आपका ये निकला डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला आया था, यू स्क्वायर बाई टू ए प्लस हाफ मॉड ऑफ ए टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर, जहां पे टी नॉट क्या है, स्टॉपिंग टाइम है। सो यू स्क्वायर, यू कितना है, टेन स्क्वायर बाई टू इंटू ए, ए कितना है, टू मॉड ए, प्लस हाफ ए इज टू, टी माइनस टी नॉट, व्हाट इज टी, टी इज एट, एट माइनस फाइव, सो टू हंड्रेड बाई फोर इज ट्वेंटी फाइव, और ये टू टू कैंसिल हो गया, एंड थ्री स्क्वायर इज नाइन, सो इट इज थर्टी फोर मीटर। सो 34 मीटर इज द डिस्टेंस एंड 16 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट।